कि आप आदेश दिए पुलवामा हमला हुआ कि आप हवाई जहाज से जाकर के पाकिस्तान में बम गिराए, मुबारक हो आपको। हमको ये बताइए कि आपने तब आदेश क्यों नहीं दिया कि हमारे सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उठा करके कश्मीर पहुंचाया जाए, उनको सड़क मार्ग से क्यों ले जाया गया, क्यों उनके ऊपर हमला करवाने के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की गई, इसके लिए किसको जिम्मेवार माना जाएगा? कामयाबी आपकी और नाकामी किसकी? नेहरू जी की। आप प्रधानमंत्री हैं तो जो कामयाबी हुई वो आपकी और जो नाकामी हुई वो किसकी? और जो लोग ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। अरे बुर्बक, मोदी नहीं थे तो देश आजाद नहीं हुआ, हमने अंग्रेजों को नहीं भगाया, मोदी नहीं थे तो क्या इस देश में 65 की लड़ाई नहीं जीती गई, 71 की लड़ाई नहीं जीती गई, कारगिल की लड़ाई नहीं जीती गई? इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। और अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जनता के साथ उन्होंने छलावा किया है, धोखा किया है, बेईमानी की है। गरीब का बेटा मर गया, आपकी रैली में मोदी मोदी हो गया, इनकलाब जिंदाबाद हो गया, नौकरी मिले ना मिले जनता को कौन पूछने वाला है? इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि मुझे नेता कह के संबोधित मत कीजिए, क्योंकि इस शब्द की गरिमा को इस देश के राजनीतिज्ञों ने खत्म कर दिया है। और उनकी जो पोशाक थी, पहले नेता गांधी बाबा का टोपी लगा के थे और खादी पहनते थे, आजकल आर्मी का टोपी लगाते हैं और आर्मी का वर्दी पहनते हैं। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि खादी के सफेद सफेद कुर्तों पर इनकी बेईमानी का दाग है, और उस बेईमानी के दाग को छुपाने के लिए जो खादी को इन्होंने बदनाम कर दिया था, उस खादी को छोड़कर ये आर्मी की वर्दी पहन लिए हैं, अब ये आर्मी की वर्दी को भी बदनाम कर देंगे। इसीलिए आज के वक्त में जमींदारों से ज्यादा जरूरी है कि चौकीदारों से लड़ाई लड़ा जाए, क्योंकि ये चौकीदार चोर है, ये चौकीदार नहीं है, ये चौकीदारी नहीं कर रहा है देश की, ये दरवानी कर रहा है इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की, अंबानी और अडानी की। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमारा टैक्स का पैसा इस देश के पूंजीपतियों का खजाना भरने के लिए खर्च किया जाता है, और हमारे लिए जो योजना बनाई जाती है वो योजना रास्ते में ही रह जाती है, वो हम तक नहीं पहुंचती है। सच्चाई ये है कि प्रचार बहुत अच्छा अच्छा किया जाएगा आपके लिए, ऐसा लगेगा कि आ हा सही में ये अद्भुत प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, इसकी हर योजना बहुत शानदार है। आप खुद बताइए कि आपके सामने कौन सा विकास पहुंचा है, क्या हुआ उन वादों का? जनधन योजना में खाता खुलवाए इस आशा में कि 15 लाख आएगा, पहुंचा? कोई दुश्मनी नहीं है हमको किसी से, प्रधानमंत्री के से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गरीबों को कब तक ठगा जाएगा, कब तक लूटा जाएगा। हम साफ साफ शब्दों में इस देश के लोगों को कहना चाहते हैं, जब तक जुल्म रहेगा तब तक उस जुल्म के खिलाफ लड़ने की आवाज भी रहेगी या झंडा भी रहेगा, यह बात हम उनको कह देना चाहते हैं। और हम कोई त्याग करके नहीं आए हैं, कोई त्याग करके हम नहीं आए हैं, हम आपको कह देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस जिम्मेवारी के एहसास के साथ आपके बीच मौजूद हैं कि बाप दादा का लगाया हुआ आम का पेड़ का फल हम खाएं, और हम जो आम का पेड़ लगाएंगे उसका फल हमारी आने वाली पीढ़ी खाएगी। इस दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तब यह लिखा जाएगा कि जब देश गंभीर संकट से गुजर रहा था, जब इस देश की वीरों की शहादत के ऊपर ओछी राजनीति हो रही थी, जब इस देश के पैसे को लूट करके अंबानी और अडानी के खजानों को भरा जा रहा था,
तब इस देश की जनता ने मुकम्मल तौर पर संघर्ष करने का काम किया था। उस इतिहास को हम जिंदा करने के लिए आए हैं और हमको पूरा भरोसा है एक नई क्रांति का आगाज होगा और समतामूलक भारत के निर्माण में सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना के लिए, सांप्रदायिकता को परास्त करते हुए एक मुकम्मल भारत के निर्माण के लिए हम अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं शेर को पालने में खर्चा होता है, प्रधानमंत्री शेर हैं तो शेर को पालने में खर्चा होता है, इसीलिए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है 110 रुपया में बिक रहा है। 32 रुपया दाम है और बाकी का जो रुपया है टैक्स के रूप में आपसे वसूला जा रहा है, और वो पैसा आपके स्कूल के ऊपर नहीं, आप जिस सड़क पे चलते हैं उस सड़क के ऊपर नहीं, आपके घरों में जो बिजली आती है उस बिजली के ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री जी के सूट बूट के ऊपर खर्च किया जाता है। आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नए नए शब्द गढ़े गए हैं, जैसे मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े का पोस्टर लगा दिया है। हमने कहा कि देखिए, हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे भाजपा का, इतना टुकड़ा करेंगे ना कि फिर ये फेविकॉल क्या फेविक्विक लगाने के बाद भी ये जुड़ नहीं पाएगा। आप सोच करके बताइए, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर को आज पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है वो किसके खिलाफ है? वो इस देश की बहुजन आबादी के खिलाफ है। आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे? अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? सरकार का सूट बूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है? 8,500 करोड़। और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है, 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई? तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। यह जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि आज का जो सत्ता का मॉडल है वो वोट लेती है मेजोरिटी से और काम करती है मुट्ठी भर लोगों के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। यह जो सिचुएशन है कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि यह लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है, यह लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार किस बात में है। पल में तोला पल में मासा, यह तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1,00,000 बार बोलें आम है आम है आम है तो नारियल आम हो जाएगा? कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग
इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे। जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। कहते हैं ना, जो बनाता है उसी को दर्द होता है। महिलाएं इस बात को बखूबी समझेंगी कि जो माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसको मालूम होता है कि मां बनना कितना मुश्किल काम होता है। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं,